सामने से दिख रही है इनको, ये देखो ये रहा गाइस जेब्रा बड़ा वाला। आजकल मिलता है कि नहीं, चलाओ देखते हैं अंदर। जो दो पाइथन इसका मुंह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं चिड़िया खाना। ये गाइस चिड़िया खाना का एक गेट है सब अंदर, तो गाइस चिड़िया खाना अंदर है, फिर हम अंदर से जाके अंदर घुसेंगे। और गाइस आपको दिखाएंगे कलकत्ता का चिड़िया खाना जू, बहुत ही बड़ा, और अंदर का जो भी है गाइस तो आपको देखने के लिए मिलेगा। देखते हैं अंदर जू के अंदर क्या क्या है, शेयर करेंगे अंदर क्या क्या अंदर है जू के अंदर कलकत्ता में। कलकत्ता का सबसे बड़ा लाइब्रेरी शोरूम है ये वाला, सामने जो आप लोग देख पा रहे होगे वो वाला। अभी हम लोग आए हुए मेन कोलकाता में, जो गाइस मेन कोलकाता का पीछे स्ट्रीट है, यही सब गाड़ी चलता है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके, सामने ही गाइस जू का गेट है, तो उसी के अंदर से इंटर करेंगे। ये शायद जू का बड़ा वाला सब बाहर का गेट है, दीवार है, और इसके सामने जो है वो गेट है। हम लोग पीछे उतरे थे टोटो से, तो गाइस यही सब ब्लॉग नया ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट वन और पार्ट टू। गाइस जो पार्ट वन आपने देखा होगा वहां पर मैंने स्टॉप कर दिया था, अपने आप ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं अंदर जू के अंदर, और जू का अंदर सब कुछ दिखाएंगे, मजा आएगा काफी। इस एंट्री जू का, तो अभी हम लोग घुसेंगे अंदर। और बाहर में गाइस इसे मिलता है पापड़ी चाट वेट सब, यहाँ पे फ्रूट्स कटा हुआ मिलता है, फ्रूट्स कटा हुआ मिला जाता है, ये देखो आइसक्रीम इसकी मिलता है। गाइस कुछ जू का कुछ ऐसा कुछ है सामने, गाइस एक बड़ा सा हाथी और एक बड़ा सा जिराफ है। एंट्री कर चुके हैं जू के अंदर, और गाइस सामने देख सकते हो एक बड़ा सा वो है हाथी का, और एक जिराफ का बनाया हुआ है, वो गाइस आर्टिफिशियल है। कुछ ऐसा सा पेड़ है तो उसी का यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ साइड साइड में, ऑफिशियल स्टेट 3 ऑफ स्टेट यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। ये गाइस यहाँ पे ऐसा पेड़ है गाइस जू का, कुछ सामने ये गेट मतलब अंदर का अंदर। वेलकम टू एक्सोटिक डियर सेक्शन, 20 मीटर्स, 45 मीटर्स, 90 मीटर्स और 150 मीटर्स के अंदर में सब कुछ ये है। काफी हरियाला है सब कुछ यहाँ पे। तो गाइस जू के अंदर आगे पहले देखते हैं अंदर क्या है, सामने देखते हैं किस चीज का है, क्या है सामने, आओ दिखाते हैं। चिंपांजी का है यहाँ पे, चिंपांजी बहुत धूप है तो चिंपांजी को भी अंदर बंद कर दिया गया रूम के अंदर। ये यहाँ पे चिंपांजी रहता है, काफी बड़ा है ये देख सकते हो, देखा हुआ है गाइस वहाँ पे नहीं था कि बांजी अंदर चला गया था। अरे गाइस वो देखो जेब्रा, वाव जेब्रा, मैंने पहली बार देखा इसको पास से, काफी मस्त लग रहा है। उधर भी है वो देखो, चलो तो चलते गाइस जेब्रा, वाव क्या मस्त लग रहा है। ये रहा गाइस जेब्रा बड़ा वाला, छोटा वाला उसके मम्मी पापा। मेरे पीछे जेब्रा, एक इधर है और एक उधर, एक और उधर है वहां पे, क्या मस्त लग रहा है जेब्रा। इसके अंदर क्या है और देखते हैं।
मतलब जानवर को सामने से देखने का मौका मिल रहा है। मैंने तो कभी देखा ही नहीं था, सामने से देख रहे हैं क्या मस्त मजा आ रहा है। वो देखो गाइस ऑस्ट्रिच, वो देखो गाइस मेरे पीछे वो रहा, आपको दिख रहा होगा। वो देखो गाइस वो रहा ऑस्ट्रिच, यहाँ पे ऑस्ट्रिच का वो है, यहाँ ऑस्ट्रिच रहता है, वो रहा एकदम कोने में ठंडा ठंडा जगह पे जाके बैठा हुआ। अरे गाइस इसे सबको सामने से देखने का मौका मिल रहा है, मैं तो गाइस पहले कभी देखा ही नहीं था, बस बुक में देखा था और गाइस न्यूज पेपर में सबने देखा था कि सामने से देखने का कुछ मजा ही कुछ और इसका। यहाँ पे क्या है, भालू है, तो देखते हैं कहाँ पे भालू, भालू बैठा हुआ है, वो देखो बैठा हुआ, देखो हाँप रहा बेचारा, गर्मी है ना इसीलिए गाइस सीढ़ी के नीचे जाके आराम से बैठा हुआ है, कितना थक गया गाइस वो भालू, उधर ही हाँप रहा है बेचारा, गर्मी है ना गाइस इसीलिए बैठ के हाँफ रहा है, वो रहा काला सा, हमने पता नहीं क्या बना हुआ है इसमें, इसमें हिरन रहता है, और देखते हैं हिरन किधर है, हाँ हिरन पूरा गाइस उधर हिरन है, हिरन सामने से हिरन को देखेगा इस, वो देखो क्या मस्त लग रहा है हिरन का बच्चा गाइस, कितना प्यारा प्यारा हिरन है, वो देखो पूरा हिरन पूरा एक पूरा सामने चल के आ रहा है, कितना छोटा छोटा हिरन है, उधर ही बैठा हुआ है गाइस, वो देखो वहाँ बैठा हुआ है, ये रहा गाइस बेचारा खाने के लिए ढूंढ रहा है, पूरा ही थक गया बेचारा, ये धूप के मारे खाने के लिए नहीं मिल रहा है लोग बेचारा, हिरन को एकदम पास से दिख रहे हैं, हिरन सांबा डियर क्या मस्त लग रहा है, उसका जो सिंह है वो देखो, अरे यार क्या मस्त प्यारा सा लग रहा है हिरन, क्या सिंह है उसका, सांबा डियर इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है, ये देखो क्या ही गाइस क्या मस्त लग रहा है इसका सिंह, बेचारा खाना खा रहा है वो अभी, वो देखो भाई सामने छोटा छोटा हिरन, वाह गाइस ये देखो इतना सारा हिरन सामने, अरे वाह, वो देखो भाई हिरन बेचारा दूध पी रहा है अपने मम्मी का, छोटा सा है बेबी अभी, और हिरन वो जो लकड़ी खा रहा है बेचारा, भूख लग रहा है धूप में गाइस, क्या मस्त लग रहा है हिरन सामने से देख रहे हिरन को, हिरन सामने कितना मस्त लग रहा है यार, कितना प्यारा प्यारा हिरन है, छोटा छोटा खाना खा रहा है अभी, दीदी और थक चुकी है, तो गाइस मम्मी और दीदी वहीं बैठी हुई आराम से, हम लोग घूम रहे हैं, क्या मस्त मजा आ रहा है गाइस, सामने हिरन को देखे, अभी हिरन का बच्चा छोटा छोटा ये देखने आगे क्या क्या है पर आपको दिखाएंगे, अब एंजॉय करना, तो बस मजा आ रहा है गाइस मेरे को तो सामने से देख, सामने कंगारू है, देखते हैं कि नहीं रहता कंगारू, कंगारू अभी कहीं छिप गया है देखो, यहाँ कंगारू यहाँ पे कहीं भीतर में छुप गया जाके आराम से, मतलब जो कपड़ा जो घिरा हुआ है गाइस वो ठंडा के लिए फूलों के लिए घिरा हुआ है, तो वहीं कहीं जाके बैठा होगा कंगारू, क्योंकि गाइस गर्मी बहुत है अभी, तो इसीलिए वो जाके अपने ठंडा जगह पे बैठ रहा है, जितना हो सके हम लोग उतना दिखाएंगे आपको, जितना भी जू में जो भी कुछ दिख रहा है हमको वो भी सारे कैमरा में कैप्चर करेंगे आपको दिखाएंगे। यहाँ पे गाइस कंगारू का था, तो कंगारू अभी मिला नहीं, सामने गाइस देखो हिरन और भी क्या मस्त लग रहा है, वो देखो बड़ा वाला हिरन जो गाइस छलांग मारता है बहुत ऊंचा ऊंचा, वो देखो गाइस वो रहा कितना बड़ा बड़ा हिरन है, और क्या क्या सामने दिखने को मिल रहा है, गाइस यहाँ पे बहुत ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा है और गाइस धूप भी है इसीलिए गाइस, वो देखो और देखो डियर उसका सिंह देखो गाइस क्या मस्त कड़क सिंह है उसका, नुखीला चाट सिंह लग रहा है पेड़ की तरह कुछ है, वो देखो मेरे पीछे वो देखो इतने पास से गाइस देख पा रहा हूँ, तो सिंह देखो लग रहा है पेड़ की तरह कुछ उसके माथा में है, इतने पास से देख पा रहा हूँ मैं, ये देखो क्या सिंह है इसका, वाव। इधर है अजगर, इधर अजगर है, अजगर मिलता है कि नहीं, चलाओ देखते हैं अंदर, यही पर अजगर मिलेगा, किसी किसी के अंदर में होगा, कहीं सूखा जगह जाकर बैठा होगा, पानी में तो नहीं बैठा, इसके गमले के अंदर बैठा हुआ कोबरा, वो देखो तो मुंह तो नहीं दिख रहा, ठंडा के लिए बैठा हुआ अंदर जाके छिप के, कोबरा का वो है तो इसी इसके अंदर कोबरा है, वो देखो छोटा सा अंदर छिप के बैठा हुआ है, असल वाइपर यहाँ पे छिप के बैठा हुआ, वो देखो वो बोरा बोरा पेड़ के पीछे, वो देखो रसल वाइपर, वो देखो रसल वाइपर हो रहा, बहुत ही जहरीला होता है वो, और कोबरा पाइथन, ये देखो इसका मुंह पाइथन का मुंह, इतना मोटा पाइथन, ये देखो एकदम पास कर दिया कैमरा इसके, इसका मुंह देख पा रहे हो, जिंदा है ये बैठा हुआ है, ये देखो कितना मोटा है इस पाइथन, कितना मोटा है जिंदा भी है अभी बैठा हुआ है आराम से, यहाँ पे पाइथन है,
ये देखो इस मुर्गी, इसके लिए मुर्गी छोड़ा हुआ है खाने के लिए, ये पाइथन के लिए। तो बेचारा वो भी आएगा तो इसका भोजन करेगा, वो देखो वहाँ बैठा हुआ है ठंडा ले रहा है, तो इसको भूख लगेगा तो इसको खाएगा मुर्गी को। ये है रॉक पाइथन, यहाँ पे रॉक पाइथन है ऐसा, वो देखो गाइस वहाँ छुप के बैठा है, कहाँ है वो देखो, वो देखो गाइस पेड़ के नीचे छुप के बैठा है, वो देखो दिख रहा होगा आपको कैमरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो देखो वहाँ छुप के बैठा, वो देखो वो देखो वो देखो वो रहा छुप के बैठा, वो इतना मोटा है पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है, देखो वो देखो इस वहाँ पे बैठा हुआ पेड़ के ऊपर, वो देखो उस पेड़ पे भी बैठा हुआ है, चमक रहा है वहाँ पे ऊपर नीचे दोनों है, सब जगह सांप है, ये पाइथन है सांप है, हंड्रेड कैरेट वो देखो अंदर में बैठा हुआ गमले के अंदर, उस गमले के अंदर और इस गमले के अंदर, वो देखो वो देखो यहाँ सांप है, वो देखो पूरा पीला और ब्लैक कलर में इसका शरीर, ये रहा वहाँ बैठा, वो देखो भाई क्या बड़ा सांप है, वो देखो उसका खोल खुला हुआ वहाँ पे, वो देखो वहाँ पे सांप का खोल खुला हुआ है, वो रखा इस तरह और यही भी लगा हुआ है धीरे धीरे, यही पे सांप को सब लगा हुआ है, देखो पूरा वही यही धीरे धीरे करके सांप आपको दिखा रहे हैं, ये देखो ये सांप का पूरा म्यूजियम है यहाँ पे, तो आगे सब जाके देखते आगे क्या, ये देखो गाइस वाइन में वाइन इसके पूरा ये ग्रीन कलर का ही होगा पेड़ के नीचे छुपा होगा, गाइस वो देखो वो वहाँ पे छुपा हुआ है, वो देखो वो रहा हाथ दिख रहा होगा वही छुपा हुआ है, वो देखो भाई ये रहा ऐसा स्नेक है, अब वो रहा वहाँ छुपा हुआ पत्ता के ऊपर, वो पूरा एक पत्ता की तरह ही लग रहा है वो पेड़, अजगर पानी मुंह में बैठा बैठा पूरा पूरा क्या चाहिए, वो देखो वो देखो हम चाहते हैं, ये देखो नहीं रहा है शीशा लगा हुआ है ना, इसलिए रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो देखो पानी के अंदर बैठा हुआ है, चार तो सारे अंदर तीन है, तीन है अंदर चार पाँच छः कितना सारा है, वो देखो उधर भी है वहाँ पर भी है वहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, कितना सारा सांप है, क्रोकोडाइल ये देखो छोटा क्रोकोडाइल क्या इसका शरीर है, ये देखो क्रोकोडाइल वो सांप जिसको बोलते हैं चार पैर रहता है लीजर्ड बड़ा वाला बड़ा प्रजाति का लीजर्ड, वो देखो चल रहा है, वो देखो जो देखो पाइथन उसका मुंह देखो अंदर वो लिपटा के ना मुंह लिपटा के बैठा हुआ ठंडा ले रहा है, वो पेड़ के नीचे भी है, वो देखो वहाँ पे भी बैठा हुआ है वहाँ पे दो टोर चिट्ठी ये रही यहाँ बैठी चिपकी हुई है, पता नहीं कौन सी चिट्ठी ली है, टोक्यो लिखा हुआ है, यहाँ भी गई पाइथन है, कहाँ पे छिपा हुआ है कहाँ छिपा हुआ है, उस साइड का यहाँ से खत्म हो चुका है, अब हम लोग कोई साइड जा रहे हैं तो वहां से घूम के जाएंगे, ये उल्लू का वो है घर है, देखो उल्लू का घर है, तो अंदर चलते हैं देखते हैं अंदर क्या है, इसके अंदर बोरा वहां बैठा हुआ, बोरा बोरा वो देखो वहां बैठा हुआ है, ये उल्लू का घर है, हाँ ठीक है उल्लू का घर है, ये भी यहाँ पे भी उल्लू है अंधेरे में कहीं छुपा हुआ जाके, नहीं उल्लू नहीं यहाँ पे कुछ और है, ये रहा लिखा हुआ है जनवरी वो रहा वहाँ पे लटका हुआ है, वो देखो लटका हुआ है, ये देखो कैसे बैठा हुआ है चिपकर था यहाँ का उल्लू का, और यहाँ पे जानवर था जो दिखाया आपने, चलते हैं यहीं पे कुछ ऐसा कुछ था, वहाँ पे उल्लू था और वहाँ पे इंडियन पेलोविन था, तो गाइस अब जा रहे दूसरा कुछ देखने के लिए, क्रोकोडाइल सामने से कभी देखे वही देखो कितना मस्त लग रहा है, क्रोकोडाइल कितना बड़ा है, और गाइस ये बैठा हुआ अभी वहाँ पानी नहीं है इसीलिए वो ठंडे में बैठा हुआ, क्या मुंह है इसका दिख रहा है बहुत खतरनाक लग रहा है गाइस सच्ची, इसके अंदर कोई गिर जाएगा ना तो खा जाएगा उसको, और गाइस मैं जूम करता हूँ वो देखो उसका आँख बैठा हुआ अभी बड़ा डेंजर लग रहा है, इसका पूंछ काटे जैसे उसका पूंछ है, इसका बॉडी पूरा स्ट्रक्चर हम तो गाइस पहली बार इसको सामने से देख रहे हैं, सामने देखो येलो येलो एनाकोंडा है, पता नहीं गाइस कहाँ है वो, छिप के कहीं बैठा होगा पीछे, देखो गाइस कितना मस्त लग रहा है, देखो वो देखो यहीं कहीं छिप के बैठा हुआ अंदर, मेरे को दिखाते हैं अभी जूम करके, एनाकोंडा जंगल में कहीं छिप के बैठा हुआ है दिख नहीं रहा है, क्या
तगड़ा शरीर है गाइस उसका, मतलब ये किसी को मार दे लग रहा है, पूरा पत्थर का शरीर है उसका, बॉडी जो है ना पूरा लग रहा है एकदम मोटा गेंडा पत्थर का शरीर, वो देखो। अरे बाप रे गाइस इतना दूर में, वो देखो क्या तगड़ा शरीर है उसका, तो पूरा पत्थर टाइप का पूरा शरीर लग रहा है उसका, वो देखो उसका आंख ना मुंह का कुछ नहीं दिख रहा है, वो उसका शरीर देखो, देखो गाइस वो रहा वहां पे बैठा हुआ है, क्या शरीर है उसका यार, पूरा ही भारी शरीर उसका, भारी भरकम। एक वहां पर भी है तो वहां भी चलते दिखाते हैं, ये तो गाइस बहुत ही खतरनाक लग रहा है, स्टैचू बन के खड़ा हुआ है ऐसे, मूव कर रहा है गाइस, तो गाइस वो रहा सोया हुआ चीता, तो पूछ हिला रहा है, वो देख पूछ हिला रहा है, एक ही है शायद ये, तो एक ही चीता है। हाँ गाइस क्या मस्त लग रहा है सामने से देख के चीता को, गाइस जस्ट मस्त गाइस, ये 10 फुट या 5 फुट की दूरी में है हम चीता के सामने, बस फर्क इतना ही गाइस कि सामने शील्ड लगा हुआ है, वरना तो वो तो मेरे को खा जाता और कैमरा नीचे चल जाता, वो कैमरा फोटो खींचा के स्माइल कर देता तो कोई नहीं गाइस, सोया हुआ उसको डिस्टर्ब नहीं करते, चलते गाइस। घर में घुस गया तो दिख नहीं पाता, अभी बाहर में सोया हुआ है आके ठंडा में, तो इसीलिए दिख पा रही है, चीता के बारे में कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन गाइस मस्त लग रहा है, डिस्टर्ब नहीं करते इसको, चलते हैं। नेक्स्ट लेवल का एक्सपीरियंस था गाइस, मजा आ गया पूरे चीता को, इतना लियोपार्ड को इधर सामने से देख के गाइस क्या मस्त लगा। अभी गाइस दिखा रहा है आपको ब्लैक पैंथर, जो गाइस यहीं कहीं ब्लैक पैंथर होगा उसका केज, तो उसी के अंदर रखा होगा, तो आपको दिखाते हैं सामने से ब्लैक पैंथर। तो गाइस देखिए चीता को देखिए, बहुत मजा आया, जगुआर के बाद ये कितना बड़ा चीज दिख रहा है, ये देखो क्या है यार, ये अरे यार क्या है, देखो दिखते बताते हैं, ये देखो ये देखो वाइट का काटू, वो देखो खा रहा है, और जूम करते रहे, जूम फोकस लो, फोकस नहीं ले रहे वेट, वो देखो गाइस वाइट का काटू, वो गाइस खा रहा है गाजर फ्रूट बादाम चना रखा हुआ उसके लिए, क्या खूबसूरत लग रहा है। अदर जू का इधर वो बना हुआ है मैप, ये किधर किधर जाना है, तो अब लोग गाइस वो सब हिरन देख लिए है, ब्लैक हिरन भी देख लिए है, ब्लैक हिरन नहीं दिखा छुप गया था, क्रोकोडाइल भी देख लिए है, और गाइस ये भी देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, बियर भी देख चुके हैं, जेब्रा भी देख चुके हैं, ऑस्ट्रिच भी देख लिए, और गाइस और कुछ कंगारू तो नहीं दिखा, कंगारू छुपा हुआ था, चिंपैंजी भी नहीं देखे, चिंपैंजी भी छुप गया था, हिरन भी देख लिए, ब्राउन हिरन भी देख लिए, आप लोग देख चुके होंगे, और ये भी देख लिए, हिरन भी देख लिए, कोबरा भी देख लिए, और ये गाइस पाइथन भी देख लिए, और क्रोकोडाइल तो देखी नहीं, अभी इस साइड का और इस साइड का पार्ट देखना है, चलो देखते हैं। इसके अंदर वाइट बाग है, देखते कहाँ छुप के बैठा होगा, कहीं गाइस छाया में बैठा होगा, बोरा दिख गया, वो देखो वो छोटा था एक तो गुफा है, उसी में वो छुप के बैठा हुआ है, क्योंकि गाइस बहुत गर्मी है, वो गाइस खुजला रहा है अपना पैर, वो देखो अभी जूम करते दिखेगा आप लोग को, वो देखो जो पैर उल्टी कर रहा है, इधर पैर इस साइड उलट रहा है, उस साइड उलट रहा है, वो देखो क्या मस्त लग रहा है, वो सोया हुआ है आराम से उल्टा होकर, क्या कैसे कर रहा है वो उल्टा होकर, अलग ही वो दे रहा है कि हम देखो उल्टा होके वो अपने धूप में आराम से छाव में जाके आराम से अपना आराम का मजा ले रहा है। कुछ लिखा हुआ व्हाइट टाइगर करके कुछ, तो अब अंदर चलते हैं। क्या है हा? शेर कहा? व्हाइट टाइगर तो पीछे देख, क्या इधर क्या है, और ये वो देखो भाई सामने कितना बड़ा शेर, कितना बड़ा मुंह है, वो देखो भाई शर्मा रहा है, वो तो अपना अलग ही एक्सप्रेशन दे रहा है, वो देखो वो रहा, अरे अरे शर्मा रहा है, वो देखो यार कैमरा फोकस ले लो, ये रहा फोकस ले लो, वो देखो भाई दिख रहा होगा यहाँ पर, डबल बैरियर लगाया हुआ है, क्योंकि गाइस कुछ भी हो सकता है, शेर बहुत ही ताकतवर है, और एक तो अंदर उसके लिए घर बनाया हुआ ठंडा के लिए, तो उसी ठंडा में जाकर आराम से बैठा हुआ है, वो तो गाइस अपना अलग ही एक्सप्रेशन दे रहा है, शर्मा रहा है, कुछ उसको परवाही नहीं है, आराम से बैठा हुआ, तो मुंह चला रहा है, बाहर आ रहा है, सिर बाहर आ रहा है, मम्मी वो देखो सिर बाहर आ गया, कितना बड़ा लग रहा है, आ गया बाहर आ गया, हो रहा है मम्मा, वो देखो गाइस उसको भूख लगा है शायद, इसीलिए उसे कर रहा है, वो देखो गाइस आपको दिख रहा होगा क्या मस्त लग रहा है, अरे वाह, बोल रहा है बेटा तू भी फोटो खींच ले, कभी सामने आएगा तब मिला जाएगा, क्या मस्त लग रहा है गाइस, वो देखो गाइस बैठ गया सर, पीछे जाके बैठ गया गाइस, मैंने बुलाया तो वो चला आया सामने उठकर, कोई नहीं गाइस चलो चलते आगे यहाँ से, शेर को तो देख लिए, बाय बाय। टाइगर ही है वो अंदर जाके बैठा हुआ है, यहाँ पे क्या है, यहाँ भी टाइगर ही अंदर छुप के बैठा होगा कहीं, छुट गर्मी लग रहा होगा, पूरा टाइगर ही टाइगर है, मतलब पहला वाला टाइगर तो देख लिया जो बाहर आ चुका था, तो आपको दिखा दिया, और देखते इधर क्या है,
इधर भी टाइगर ही होगा कुछ समथिंग। उधर तो गाइस टाइगर था बड़ा वाला दिखा चुके हैं, और इधर क्या है कहाँ है वो जो गाइस वहाँ बैठा हुआ। यहाँ से गाइस आपको अच्छे दिखेगा तो जूम करते हैं, वो रहा गाइस दिख रहा होगा बड़ा टाइगर वो रहा, वो देखो वो गाइस शायद लगता है उस हस्बैंड वाइफ को अलग करके रखा हुआ है, उधर उसकी वाइफ इधर इसका हस्बैंड बेचारा। इतने बड़ी केज में इसको रखा गया इस साइड में, अंदर भी रखा हुआ है गाइस इसको, मतलब गाइस क्योंकि गाइस ये साइड नेचर में इसको रहने का अच्छा लगता है, जेल में इसको बंद करके रखा हुआ अलग रखा क्योंकि गाइस लोग फाइट कर रहा था इसके साइड समथिंग लोगों को शायद अलग करके रखा हुआ है। उधर गाइस बड़ा वाला है, इधर गाइस छोटा वाला है, गाइस चलाओ दिखाते आपको। पहले यहाँ पे गाइस मुंह धो लेते हैं क्योंकि गाइस बहुत ही गर्मी लग रहा है। सामने गाइस देख सकते हो तो झील है काफी मस्त इसको बनाया हुआ है जो ये गाइस ये रही वो ये क्या है इस पंछी को अलग छोड़ के रखा है। गाइस देखते हो तो सामने एक बहुत बड़ा झील है ये देखो, इसी में गाइस क्रोकोडाइल भी हो सकता है कुछ भी। इतनी इतनी दूर पे ये सब देखने मिलेगा तो आओ चलो देखते हैं। अब एलिफेंट भी देखने मिलेगा और ये रहा गाइस ये सब दिखने मिलेगा तो चलते हैं। आके पूरा मजा ही मजा, मतलब 30 रुपए में और क्या चाहिए गाइस। अगर आप शेर को अपने पास से देख पा रहे हो और गाइस एलिफेंट को तो हमने देखा नहीं, अभी एलिफेंट को जाके देख लेंगे। जो गाइस इतने सारे जीव जंतु को हम लोग अपने इतने पास से देख पा रहे, इतने नेचर प्रकृति सब चीज को, तो गाइस 30 रुपए में और क्या चाहिए। 30 रुपए में तो गाइस हम खा के निकाल भी देते, बस 30 रुपए में इतना सारा कुछ देख पा रहे, कितना मस्त लग रहा है। तो गाइस अभी एलिफेंट दिखाएंगे और सब कुछ दिखाएंगे तो मजा आएगा। यहाँ का व्यू देख सकते हो 360, क्या ही मस्त गाइस नेचर नेचर सब जगह हरियाला। तेंदुआ हाय ना उसको बोलते हैं, वो रहा देखो वहाँ बैठा हुआ, वो देखो वो रहा क्या बड़ा मुंह है इसका, मतलब शेर का आधा बोल सकते हैं उसको। भी खुदाई करके मतलब कुछ बनाया जा रहा है, अभी तो इसके सेट नहीं किया गया तो ये बनेगा अभी, तो चलते देखते हैं इसके अंदर भी क्या है। साइड में देखते क्या है, देखो गाइस सामने है मोर है ना, क्या है इंडियन पीफ्लो, आओ देखते क्या है। ये देखो गाइस फोकस लो, ये देखो वो देखो गाइस कूक रहा है, मोर है सब देखो, बड़ा बड़ा मोर हो रहा, वो देखो बैठा हुआ है, वो देखो गाइस बैठा हुआ है वहां पे, ये बड़ा बड़ा ये बैरियर लगाया हुआ है, इसमें कुछ दिखे ना, ये पिंजरा लगाया हुआ है कि उड़ के कहीं चला ना जाए वो, तो वहां बैठा हुआ है गाइस वो देखो, वो देखो गाइस बैठा हुआ वहां पे, वो देखो यही गाइस है मोर है यहाँ पे, वो बैठा हुआ देखो, वो देखो बांस के ऊपर बैठा हुआ देखो गाइस बैठा हुआ है और वो रहा। तो चलते हैं यहाँ से, अभी हम खाने के लिए भी आइसक्रीम ले रहे हैं, ये देखो आइसक्रीम दुकान, तो गाइस आइसक्रीम खा लेते क्योंकि बहुत गर्मी यहाँ पे, ऑर्डर दे दीजिए बहुत गर्मी है, पानी प्यास पी लेते बहुत प्यास लगा है। तो गाइस अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी भी हाथी एलिफेंट देखना बाकी है, तो उसको आइसक्रीम खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे चल के। पहले यहाँ पे आइसक्रीम खा लेते हैं, बहुत गर्मी है, अभी हमने मुंह धोया है पूरा, सही गर्म हो गया, पानी कहाँ से आ रहा है, उसको पानी चालू कर दिया, उसके अंदर ही गाइस बहुत सारा मछली है। तो ले रहे पॉपकॉर्न, इधर उधर चलने के बाद गाइस यहाँ पे पॉपकॉर्न का दुकान मिला और यहाँ पे बर्गर भी मिलता है, तो आप पॉपकॉर्न खाएंगे। तो गाइस खा रहे हैं यहाँ पे पॉपकॉर्न, बहुत भूख लग रहा है गाइस, ठीक है पूजा करके आए थे फिर कुछ खाए नहीं थे, आइसक्रीम खाए पॉपकॉर्न खा रहे, अभी भी बचा है गाइस, अभी भी और घूम के जाना है, हम उधर से घूमते हुए आए, अभी जाएंगे तो हाथी दिखाएंगे आपको एलिफेंट। तो काफी ठंडा था यहाँ पे बैठे आधा घंटा वहाँ पे पॉपकॉर्न खाते खाते, तो गाइस आगे पता नहीं किसी चीज का है तो देखते क्या आगे। और गाइस ये देखो यहाँ पे गाइस पूरा ही पैरट का, जितना ही पैरट का मकाओ, रेड ग्रीन मकाओ गाइस पूरा सब यहाँ पे लगा हुआ है, क्या मस्त लग रहा है। पीछे देखो देखो वो दिखा, पूरा मकाओ है, दिख नहीं रहा क्योंकि जाली लगा है ना, इसके वजह से नहीं दिख रहा है, वो देखो 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 मेरा मकाओ, ये देखो वो देखो वो रहा बड़ा वाला मकाओ, ग्रेट ग्रीन मकाओ, वो देखो इतना बड़ा मकाओ, यहाँ आया सामने, ये देखो भाई इसका दाम बहुत ज्यादा है, वो देखो कितना क्यूट लग रहा है, ये रहा मकाओ चिल्ला रहा है, मस्त लग रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है ये मकाओ,
ये देखो गाइस मकाओ, वाओ ये अपने बोल भी रहा कुछ बहुत ठीक है। तो कहीं पहाड़ से पकड़ के लेके आए होंगे पक्का, वही ज्यादा ही पाया जाता है। ये देखो गाइस ये वाला मकाओ है ग्रीन कलर का, सिवा में कहो ये कैसे देख रहे हैं बताओ का ऐसा कुछ यहाँ पे ये पिंजरा है, इसी में गाइस सबसे बड़ा वही वाला है सामने, ये जो दिख रहा है गाइस आपको ये रहा मकाओ, और अंदर भी गाइस बैठे हुए हैं। ये मकाओ सामने आके बैठा हुआ, ये रहा गाइस रेड ग्रीन वाला उधर झूला के पास बैठा हुआ, दिख नहीं रहा है गाइस, पूरा दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है वो दिख नहीं रहा है, वे बोल रहा है मेरा फोटो लो आओ तुमको ले रहा हो इधर ये रहा। यही मस्त लग रहा है तो। तेरा मकाओ का कुछ ऐसा मकाओ इधर पास से देखिए, बड़ा वाला मकाओ का इस बहुत महंगा मिलता है, ये हमारे जू में आपको देखने के लिए मिला। यहाँ पे का इस कबूतर गुड 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 कर रहा है पीछे, यहाँ पे स्वान है, ये देखो ब्लैक स्वान, अरे वाओ क्या मस्त लग रहा है, ब्लैक स्वान काला बत्तख, ये देखो सादा बत्तख देखा होगा कि नहीं गाइस, ये देखो काला बत्तख तैर रहा है पानी में, हिप्पोपोटामस आपको दिख रहा होगा वो देखो वो रहा पानी के अंदर वो स्विम कर रहा है, पानी बहुत डरती है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है एक्चुअली गर्मी वो है ना, वो देखो वो रहा और आग निकाला आपने, वो देखो वो रहा ये देखो है सामने, ये भी कितना मस्त लग रहा है दिखने में गाइस, ऐसा ऐसा पक्षी तो कभी देखे भी नहीं हम जो देख रहे हैं अभी, आपने देखा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। सबसे बड़ा वाला हिप्पोपोटामस जो अभी जूम करते आपको दिखेगा, ये देखो वो रहा पूरा जूम कर दिया गाइस, वो देखो जो तो पानी के अंदर आराम से बैठा हुआ है, वो इतना जूम कर रहा है, वो रहा बैठा हुआ आराम से तो मस्ती में, वो रहा जूम आप जूम करते हैं, ये देखो आराम से बैठा हुआ, एक उधर था और एक इधर है, तो चलो गाइस आपको और दिखाते हैं इधर क्या है, और गाइस कुछ सामने वो रहा ऑस्ट्रिच का पता नहीं क्या है ये, इसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो आपने अगर देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो पूरा ये मतलब आपका पक्षी मतलब जितना भी चिड़िया है वो दिखने के लिए मिलेगा, और अभी जा रहे हैं आप दिखा रहे दूसरा चिड़िया, इधर भी गाइस मकाओ ही है पैरोटूटेड, जो जितना भी प्रजाति का पैरोट होता है कुछ भी होता है वो इधर दिखने के लिए मिलेगा, तो दिखाते हैं आप इधर ये पक्षी का सब इधर लगा हुआ है, ये जूम करते हैं दिखेगा, ये देखो ये गाइस है ये रहा, ये भी गाइस को काटो है ये पक्षी में इतना बड़ा, इधर पूरा ही पक्षी दिखने मिलेगा, ये रहा ग्रेट ग्रीन मकाओ, इधर है क्या वो रहा बैठा हुआ है, इधर गाइस दिख नहीं रहा है एक्चुअली, ये जो ये बैरियर जो लगाया हुआ है ना वो ऐसा है कि ये कैमरा में कैप्चर नहीं हो पा रहा है, भी गाइस वही है मकाओ ही है, और गाइस सामने देखो अभी लायन सोया हुआ है कितना मस्त भाग, वो पूरा ऐसे उल्टा करके सोया हुआ है मस्ती में, वो देखो गाइस ये मस्त है, ये पार्ट मस्त है गाइस, वो देखो गाइस सोया हुआ है, वो देखो कैसे उल्टा होकर सोया हुआ है, वो आराम से मस्ती पर नींद में घोड़ा बेच के सो रहा है, कितना मस्त सोया हुआ है गाइस, सोया हुआ है बाघ लायन वो रहा मेरे पीछे, वो रहा पूरा मस्त अपने आराम से सोया हुआ है मस्ती में, वो रहा गाइस वो रहा सोया, वो रहा बैठा वो आराम से उल्टा होकर सोया हुआ है, जब उसको भूख लगेगा तब वो उठेगा। ब्लू और येलो मकाओ, ब्लू और येलो कलर का मकाओ, ये गाइस अब दिख पाया, उस साइड में गाइस क्या था कि दिख नहीं पाया था, वहां पे गाइस पेड़ भी था और यहाँ पे गाइस लाइट भी और दिख भी पा रहा है, वो देखो दोनों जुड़वा मस्त लग रहा है गाइस, ये तो सिल्वर मकाओ हो रहा बैठा हुआ है, ये रेड ब्लू मकाओ ये रहा, एक इधर है और एक वो इधर है, व्हाइट मोर अभी बच्चा है गाइस, ये वो देखो इसका बाल काटा हुआ है मतलब छोटा बच्चा ही बड़ा होगा, ये देखो इतने पास से दिखा रहे हैं, ये देखो कितना मस्त लग रहा है, छोटा व्हाइट पीकॉक अभी बहुत छोटा है गाइस, बहुत बड़ा होगा अभी, हो रहा उसका और ही पड़ जाती तो उसके सब भाई बंधु दोस्त सब वहाँ पे, ये छोटा वाला यहाँ पे बैठा हुआ है वाला ही है, इसका बड़ा वाला जो आपने देखा होगा पीछे ये इसका छोटा बच्चा है, बच्चे को इधर रखा हुआ है क्योंकि इसको चोट ना लग जाए इसीलिए बच्चे को अलग कर दिया गया, ये रहा और वो रहा और उधर पानी पी रहे बहुत सारे, देख ही लिया व्हाइट मोर और आराम से, वो लोग बड़ा होगा अभी छोटा बच्चा है सब,
तो गाइस यहाँ पे वापस आइसक्रीम खा रहे, बहुत गर्मी है। टू इन वन करके यहाँ पे गाइस अब आगे मिलेगा हाथी देखने के लिए। यहाँ पे गाइस सीढ़िया ही वाला है, टेस्टी टू इन वन पैरट का है, मेरा पैरट रहता है वो रहा। तो गाइस हाथी वो रहा, वो रहा आ रहा हाथी चल के वो रहा। यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस यहाँ पे कितना कितना क्या क्या एलिफेंट खाता है, डेली चार्ट उसका है यहाँ का, इतना इतना एलिफेंट यहाँ पे उसको खाना मिलता है यहाँ पे हाथी को। वो रहा गाइस हाथी वो रहा, क्या मस्त लग रहा हाथी मेरे साथी, आ जा इधर भी वो रहा गाइस पीछे मेरे हाथी, वो रहा पीछे हाथी मेरे साथी, कितना मस्त लग रहा है। इतना सब कुछ खाता है हाथी, उसका डेली उसका चैट है। जो पानी गिर रहा है ना वहाँ से, वो पानी जो गिर रहा है वो हाथी के लिए सावर है, अगर हाथी को गर्मी लगेगा तो वो हाथी वहाँ पे जाके अपने आप को ठंडा कर लेगा। मतलब पूरा व्यवस्था किया हुआ है हाथी के लिए, इतना बड़ा है गाइस। ठीक है, दिखने में छोटा लग रहा होगा लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे तो बहुत बड़ा लगेगा आपको देखने में। ये गाइस जू भी बहुत ही बड़ा है, वो देखो हाथी आ रहा है सामने चल के, आ जा आ जा, देखो हाथी चल के इधर आ रहा है, इधर ठंडा है ना इसीलिए आ जा। बुला रहे तो दोनों आ रहा है, आ जा। गाइस लगता है जो उसको खाना देता है ऐसे करके बुलाता होगा इसीलिए आ रहा है, आ जा। देखो आ रहा है गाइस, आ रहा है, बात भी सुनता है, लगता है कोई किसको खाना जब देता है यही करके बुलाता होगा, आ जा। क्या मस्त लग रहा है गाइस, इतना दूर था पास में आ गया, आ जा। कैसे हिला रहा है, खुश हो रहा है खाते खाते, आ जा। दो ही हाथी है इसमें, इसके आ जा। बेचारा हाथी अभी खा रहा है घास खा रहा है, उसको खाना मिला नहीं अभी, आ जा। ये तो गाइस सामने बनाया हुआ है, अगर हाथी अगर गुस्सा में दौड़ के आएगा किसी को मारने के लिए तो इसके अंदर गिर जाएगा। तो गाइस कितना मस्त बनाया गया है सब, इसको देख सकते हो हाथी के सामने इतना जो दूरी है उसके पीछे बहुत गड्ढा है यहाँ पे हाथी के जाने बैठने उठने के लिए, फिर वहां से हाथी उठ जाएगा। तो इसलिए बनाया गया, अगर हाथी गुस्सा में आकर दौड़ के सामने आएगा तो नीचे चल जाएगा और इसके टच नहीं हो पाएगा, ये टूटेगा भी नहीं, इसी के लिए आ जा। देखो धीरे धीरे करके आ रहा है, वो मेरा बात मान रहा था, आ जा। क्या मस्त हाथी का इस खा रहा है, जितने सामने से हाथी को देख रहे पहली बार, अलग ही लेवल का एक्सपीरियंस आ मिल रहा है, मजा आ गया देख के सब, मस्त लग रहा है। तो वहाँ पे एक अंकल है वही गाइस दिख रहा होगा आपको रेड कलर के, वो रहे और वो अंदर अंकल घुस के, अंकल लगता है इसके अंदर खाना उन्हें देंगे इसको, आ जा। कितने करीब आते जा रहे हैं मेरे, आ जा। ये तो गाइस कितने करीब आ गया, आ जा। वाओ गाइस कितने करीब आते जा रहे हैं मेरे, आ जा। कितना बड़ा सूर है उसका, दांत काट ही दिया गया उसका, दांत है ही नहीं, घास कैसे तोड़ रहा है गाइस, वो देखो घास कैसे तोड़ रहा है सूर से, वाओ आ जा। अरे खा लिया, आ जा। वो देखो वो कुछ भी कर रहा है, एक इधर ये इधर जा रहा है, आ जा, इधर आ जा। हाथी चला गया वहाँ पे गाइस, इसको खाना खाने का टाइम हो गया, तो एक अंकल वहाँ खाना दे चुके हैं और जो गाइस वो पानी पी रहा है, देखो वहाँ पानी भरा हुआ है तो सूर से पानी पी रहा है, पानी शायद है वहाँ पे, हाँ शायद पानी है उसके अंदर, पानी है गाइस उसी के अंदर से पानी पी रहा है हाथी पे डुबा के, जो हाथी पानी पी रहा है सूर से डुबा के, जूम करते हैं वो देखो, पानी शायद लगता है नीचे चला गया, कितना बड़ा बड़ा पैर है उसका, वो देखो डूब मत जाना उसी के अंदर। मतलब जो प्रजाति का जो मुर्गी है ना गाइस वही यहाँ पे है मुर्गी, वो देखो कितना मस्त लग रहा है वो देखो ये कौन सा प्रजाति का मुर्गी है, वो देखो कितना बड़ा पूछ उसका, दे दीजिए और तुमको क्या लेना थी,
हमको ट्विन वन दीजिए, एक मैंगो दे दीजिए। आइसक्रीम खा रहे हैं, मतलब तीन तीन बार आइसक्रीम खा चुके हैं यहाँ पे। वो देखो बोरा शेर को अपना मुंह नहीं दिखा रहा है, बोला फोटो मत खींच मेरा। ओए चलो चलते हैं भाव, कोई भाव एटीट्यूड देख रहे हो, शेर का जैसा एटीट्यूड चाहिए, बोला फोटो मत खींच मेरा, चल हट। ठीक है जा रहे भाई जा रहे, आप देखो आप देख रहे हैं। ठीक गाइस ये देखो जिराफ कितना बड़ा बड़ा है, सबसे बड़ा वही वाला है, वो देखो वो दिख रहा होगा, वो जा रहा है चल के। वो देखो जिराफ, वो देखो कितना लंबा है, वो रहा वहां पर भी है, वो देखो। चलो पास से दिखाते गाइस आप। तो गाइस वो देखो इतना बड़ा जिराफ, इतना लंबा मेरे सामने, आजा 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 मोनू के पास आ मैं देखो। तो गाइस इतना बड़ा बोला, तू बाहर कैसे आ गया, तू भी अंदर आ, मोनू से मिलने आ रहा है। कितना बड़ा जिराफ है सामने, इतना मस्त लग रहा है गाइस, वाह। इधर करना वो देखो इधर, इतना लंबा है गाइस, ये छोटा है निकली, ये छोटा है देखने में लग रहा है, उसका बड़ा वाला गाइस वो वहां पे टॉयलेट कर रहा है, वो बड़ा है, ये गाइस छोटा है। ये रहा जिराफ इतना बड़ा, ये सब बच्चा है उधर, उसकी मम्मी है, पापा बड़ा बड़ा है, इसकी बच्ची, इसके बच्चा सब बेबी है, सभी सब छोटा छोटा बेबी है, देखो फूक रहा है, वो फूक करके फूक रहा है, ऐसे बहुत सारा है इसमें, सबसे ज्यादा तो यही है, सबसे ज्यादा जिराफी देखने को मिला, जिराफी बहुत बड़ा बड़ा है। ये देखो ये रही बड़ी वाली, ये देखो ये रहा कितना बड़ा है, ये देखो सामने से दिखाते हैं आपको, ये देखो कैसे देख भी रहा है, ये देखो यही बड़ा वाला है, देख लिया जिराफ भाई टाटा। ये गाइस सामने देखो ये झील, ये गाइस ये हुआ झील, क्या मस्त है गाइस, यही देखो सामने, यही गाइस इतना बड़ा झील है, यहाँ गाइस मछली भी है छोटा छोटा, ये देखो, लेकिन यहाँ का नजारा क्या मस्त लग रहा है, काफी मस्त, वाह। गाइस वो रही मछली, वो रही वो देखो, वो देखो वो रही मछली, वो रही गाइस मछली, वो देखो वो रही वाह कितनी बड़ी बड़ी मछली है गाइस, कितनी बड़ी बड़ी मछली है, अरे ये देखो गाइस, ये देखो कितनी बड़ी बड़ी मछली, बहुत सारा है गाइस, इतना लाखों मछली होगा, मछली है कितना सारा, इतनी मछली है इतना बड़ा, सब कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है, सब मछली छोड़ा गया हुआ इसने, इतना बड़ा। आपको इतना बड़ा वाला वो ऊपर चला गया अभी, और गाइस उसमें नीचे उसके लिए मछली भी रखा हुआ है खाने के लिए, वो देखो वहाँ पे मरा हुआ मछली है, दो तीन तो फिश वहाँ रखा हुआ है। जू का अलीपुर क्या ही मस्त है, अभी हम लोग बाहर निकलने वाले हैं, मुर्गी पकड़ के लिए जा रहे हैं शायद देने किसी जानवर को, वो देखो वो रहा आप लोग देख पा रहे होंगे, हाँ उधर भी और भी कुछ है, कोकोडाइल है, एलिफेंट है, जेब्रा है, हाँ उधर जिराफ है, उधर बहुत सारे, ये इधर से हाँ इधर से ओके, उधर एलिफेंट भी है, अच्छा लायन भी है, कहाँ गया वो शेर, अरे दे रहा है उधर उधर टहल रहा है, वो अपना एक्सरसाइज कर रहा है, जो रुक नहीं रहा, काफ़ी पतला हो गया उसको, खाना भी नहीं मिल रहा है इस जू में, देख सकते हो उसका शरीर देख के, वो टहल रहा है, वो यहाँ पे डबल बैरियर लगाया हुआ है क्योंकि गाइस कुछ भी हो सकता है, अगर ये शेर का दिमाग फिरा तो ये आदमी को भी खा जाएगा, इसके अंदर जो गया वो तो समझ लो उसका भोजन बन गया, लेकिन मस्त लग रहा है शेर को देख, कितने पास से कैसे चल रहा है, उसका पीछे का देख सकते हो गाइस कितना पतला हो गया बेचारा, वो देखो टहल रहा है, वो देखो गाइस, ये बार दहाड़ देता ना मज़ा आ जाता, क्या मस्त लग रहा है टाइगर को इतने पास से देख के, वो दहाड़ दे यार, ओए किंग एक बार दहाड़ दे। तो गाइस यहीं से स्टार्टिंग किया थे, अब जा रहे हैं यहाँ से घर, अब सब कुछ देख लिए, कितना मस्त उसको सजाया हुआ है, यहाँ पे मेंटेन करके रखा हुआ है जू को, अडॉप्ट अ वाइल्ड चाइल्ड,
help us care for our animal by adopting them. Your donation will be used for food, medical care. सब लिखा हुआ है गाइस, तब चलते हैं यहाँ से बाहर। ये रहा गाइस एंट्री गेट था, अब यहीं से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। थैंक्स फॉर विजिट अगेन, फिर आइएगा। थैंक यू।